एवरीवन, एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR कॉलेज लेवल काउंसलिंग के बारे में। कॉलेज लेवल काउंसलिंग बेसिकली होती क्या है और कब से स्टार्ट होगी और आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले मॉपअप राउंड का भी आपने देखा, मॉपअप राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ उनके लिए सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनको अभी क्या करना चाहिए, उनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या अभी कॉलेज लेवल काउंसलिंग का वेट करना चाहिए, और कितना रैंक है और इसमें कि कितना रैंक तक तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं भी थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूँ। अभी जो बोला था मैंने, काउंसलिंग क्या होती है, कब से स्टार्ट होगी, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और सीट अगर जिसको मॉपअप राउंड में नहीं मिली उसको क्या करना चाहिए, इन सब के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग क्या होती है, अभी आपने अच्छे से देखा कि सबसे पहले आपके ICR के राउंड्स चले थे, जिसमें फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। उसके बाद में भी इन तीनों राउंड में कंप्लीट होने के बाद में 725 सीट्स वैकेंट थी। तो 725 सीट्स वैकेंट होने के बाद इनके लिए मॉपअप राउंड कराया जाता है, जिसको बोलते हैं फोर्थ राउंड, या इसको फाइनल राउंड भी बोलते हैं, फाइनल राउंड, फोर्थ राउंड या मॉपअप राउंड बोलते हैं। ये कराया गया था, इसमें क्या, इसमें 725 सीट्स को फुल फिल करने का कोशिश किया था। लेकिन अब आपको पता है कि जो बंदा जिसको मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ उसने कॉलेज बाद में कॉलेज को छोड़ दिया, उसको सीट अलॉट होने के बाद में, तो अब इसके बाद में ICR तो कुछ करेगा नहीं। माना कि जिस कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, जैसे कि RPCAU जबकि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें कोई भी सीट वैकेंट रहती है मॉपअप राउंड के बाद में भी। माना कि 15 सीट्स एग्रीकल्चर में होगी, 3 सीट्स हॉर्टिकल्चर, तो जितना भी सीट्स वैकेंट होगा उसके लिए ये कॉलेज अपने ही लेवल पर, कॉलेज लेवल पर काउंसलिंग कराता है, जिसको कॉलेज लेवल काउंसलिंग कहते हैं। ऐसे जिस भी कॉलेज में सीट्स वैकेंट रहती है तो वो अपने लेवल पर काउंसलिंग कराता है, ये मॉपअप राउंड के बाद में ये होता है। अब ये कब स्टार्ट होगी, अभी आपको पता है कि 15 जनवरी तक आपका मॉपअप राउंड का जो भी प्रोसीजर है वो चलेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, यूनिवर्सिटी में आपको अपलोड करना है, जो भी आपका प्रोसीजर है वो 15 जनवरी तक चलेगा। तो उसके बाद में आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो जब भी स्टार्ट होगा आपको डेफिनेटली मेरे चैनल के द्वारा, आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल से जुड़ सकते हो। किसके लिए, आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग का, अगर किस कॉलेज में कितना सीट्स वैकेंट हो जाए सब कुछ बताया जाएगा, कैसे आपको क्या करना, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। और अगर आप ICR एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि मुझे कैसे करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देके पढ़ना चाहिए, आपको कोई भी जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए भी इस चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल में भी, और आपको पर्सनल बात करके भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। अब आपको समझ आया कि 15 जनवरी के बाद ही आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अगर इससे पहले किसी हो जाता है किसी भी कॉलेज का अगर स्टार्ट, तो देन उसको तुमको डेफिनेटली बता दिया जाएगा। अब बात करेंगे आगे कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और जिसको भी मॉपअप राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई तो उसको क्या करना चाहिए। हाल ही में द परीक्षा ऐप लेकर आया है बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर टेक्नीशियन एग्जाम, ICR टेक्नीशियन एग्जाम। इसमें आप इसकी टेस्ट सीरीज को 50% ऑफ पा सकते हो। आप इसको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले इसके सेक्शन में जाना होगा, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, देन उसके बाद में ICR टेक्नीशियन वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। इसमें आपको बोथ मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसमें आपको डेमो भी दिया होगा। इसमें आप एटिक 50 यूज़ करोगे तो ये आपको 299 का है, तो आपको 50% ऑफ होके 149 रुपीज़ का आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और देन अच्छे से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। आप इस कॉलेज लेवल काउंसलिंग में तभी पार्टिसिपेट कर पाओगे जब आपने जो मॉपअप राउंड में कोई भी आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, या आपने सीट अलॉट हुई थी आपने वो छोड़ दी है। आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स परस्यू नहीं कर रहे हो ICR थ्रू, ICR वाला, देन आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, सॉरी कॉलेज लेवल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। देन उसके बाद में आपको क्या है, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ मॉपअप राउंड के बाद, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप क्या, अगर आपका, क्योंकि आपको सीट अलॉट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका रैंक बहुत हाई था, मतलब कि आपका रैंक बहुत ज़्यादा था, आपका रैंक 30,000,
40,000, 35,000, 20,000, 22,000 इतना रैंक था आपका, तो इसलिए आपको नहीं हुआ। आपको पहले बताया था जिसका रैंक आपको अपना रैंक ज़्यादा लग रहा है, आपको चांसेस हैं 50-50 मिलने के, कि मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, तो उसको प्रिपरेशन पहले भी बोला था कि स्टार्ट कर देना चाहिए था ICR का। अगर आप अब भी इसी संशय में नहीं मुझे मिल जाएगा, तो देन आप अपना टाइम वेस्ट करोगे काउंसलिंग प्रोसेस के, मिलने वाला होगा तो वो डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको अपना ICR का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर आप ICR या नीट जिस भी एग्ज़ाम का नेक्स्ट ईयर देना चाहते हो, तो उस एग्ज़ाम का आपको साथ में पैरेलल में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। अब आपके दिमाग में अगर आप ICR या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके दिमाग में ये होगा कि मुझे कौन कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए स्पेशली ICR के लिए, और आपको क्या सिलेबस रहने वाला, कैसे प्रिपरेशन करना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी देखना, जैसे आपको बिल्कुल आपको 2022 ICR को कैसे क्रैक करना है, कैसे पढ़ना अपना, कैसे रूटीन मेंटेन करना, उस सब के बारे में बताया गया है। आई थिंक आपको जो वीडियो में बताया सब कुछ समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कॉमेंट बॉक्स में। इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। So thanks for watching video. Bye bye, take care and keep smiling and stay connected.